हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोक्सिपिटालिस। तो हाइड्रोक्सिपिटालिस क्या होता है? ये आरएच हीमोलाइटिक डिजीज की सीवियर फॉर्म होती है, जिसमें फीटल रेड ब्लड सेल्स में एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन के कारण सीवियर एनीमिया, टिश्यू हाइपोक्सिया और एरिथ्रोब्लास्टोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और कार्डिक फेलियर हो जाता है। तो क्योंकि ये आरएच हीमोलाइटिक डिजीज होती है, क्योंकि इसमें जो आरबीसी है उनका रिस्ट्रिक्शन होता है ह्यूमन में, जिसके अगर ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए प्लेसेंटल टिश्यू का हाइपरप्लेसिया भी हो जाता है इसमें, ठीक है। और टिश्यू हाइपोक्सीमिया से लीवर डैमेज हो जाता है और इसके रिजल्ट क्या निकलते हैं कि हाइपोप्रोटीनेमिया भी देखने को मिलता है, क्योंकि लीवर डैमेज हो गया है तो जो प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो हाइपोप्रोटीनेमिया हो जाएगा, ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाएगी और बेबी में जनरलाइज इडिमा हो जाएगा प्रोटीन की कमी के कारण, और एसाइड हाइड्रोथोरेक्स की कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद में बेबी स्टील बोर्ड है या फिर मैसिनेटेड है, यदि अगर बेबी डिलीवर बेबी अगर मतलब इस कंडीशन में या तो बेबी स्टिल बोर्न होगा, ठीक है, और अगर लाइव बेबी बोर्न होगा तो कुछ टाइम बाद फिर कुछ टाइम बाद में उसकी डेथ भी हो जाएगी, ठीक है। इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स कुछ होते हैं, डायग्नोस्टिक फीचर के आधार पर हाइड्रोक्सिपिटालिस को डायग्नोसिस किया जाता है। तो मदर अगर आरएच नेगेटिव हो, ठीक है, और सीरम में आरएच बेबी की सीरम में आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट हो और हिस्ट्री ऑफ हीमोलाइटिक डिसऑर्डर्स इन ऑफ फीटस, ठीक है, और मदर ऑफ पॉलीहाइड्रामनोज मदर में, और सोनोग्राफी में फीटस की स्किन स्कार या स्किन स्कार में इडिमा दिखाई दे, ठीक है, या फिर बर्थ के टाइम में बेबी टेल या एसाइटिस के कारण इडिमेटस दिखाई देगा, ठीक है, और प्लेसेंटा का जो बड़ा या इडिमेटस या पेल दिखाई देना, ठीक है। तो ये होते हैं इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स, ये हुआ हाइड्रोक्सिपिटालिस। आज का हमारा टॉपिक है मीकोनियम आस्पिरेशन सिंड्रोम। मीकोनियम क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। मीकोनियम इन्फेंट के फर्स्ट स्टूल को मीकोनियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है मीकोनियम में, जैसे लेनुगो होते हैं और म्यूकस होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू डेब्रीज होती हैं और बाइल होता है और एम्ब्रियोनिक फ्लूइड और मोटर होता है, ठीक है, ये होता है मीकोनियम के अंदर। तो मीकोनियम मतलब जो अदर स्टूल होते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा स्टेराइल होता है और इसलिए ओडरलेस भी होता है, ठीक है, कोई ओडर नहीं होती है इसमें। और बर्थ के टाइम पे मीकोनियम फीटस के इंटेस्टाइन में स्टोर रहता है, ठीक है। बर्थ के टाइम में जो मीकोनियम होता है वो इंटेस्टाइन में होता है फीटस में, परंतु जब फीटल डिस्ट्रेस होता है उस टाइम पे फीटस में एम्ब्रियोनिक फ्लूइड में डिफिकेट करते हैं, जो फीटस होता है वो फीटल डिस्ट्रेस के समय एम्ब्रियोनिक फ्लूइड में ही डिफिकेट कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, वो जो एम्ब्रियोनिक फ्लूइड है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, तो उस कंटामिनेटेड फ्लूइड को जब फीटस पी लेता है तो उसकी वजह से फीटस को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद में उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो मीकोनियम आस्पिरेशन सिंड्रोम डिलीवरी से पहले या फिर डिलीवरी के दौरान मीकोनियम न्यूबॉर्न के लंग्स में एंटर कर जाता है तो उसको मीकोनियम आस्पिरेशन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। इसके इंसिडेंस क्या है, तो 5% इन ऑल न्यूबॉर्न्स या 5% इन ऑल बर्थ में ये कंडीशन होती है, ठीक है। और इसके कॉजेस या फिर रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो फीटल डिस्ट्रेस में ये होता है, ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस का मेन कॉज है, तो फीटल डिस्ट्रेस में ये कंडीशन होती है, और पोस्टपार्टम डिलीवरी में या फिर एयरवे ब्लॉकेज में ये
कंडोम हो सकता है और उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में ग्रीनिश जो एमनियोटिक फ्लूड है वो ग्रीनिश अपीयरेंस का हो जाएगा, वो ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, ठीक है। और फिटस में टेकिपनिया हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा और जो हार्ट रेट है वो भी स्लो हो जाएगी, ठीक है। और बेरल शेप चेस्ट हो जाएगी और जो अपगार स्कोर है वो भी लो होगा फिटस का, न्यूमोनिया का, ठीक है। उसके बाद में मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्या करेंगे इसका कि जो बर्थ प्रोसेस के दौरान प्रॉपर मॉनिटरिंग और केयर करनी चाहिए, ठीक है। और नोस्ट्रियल या फिर नेजोफेरिंग्स को सक्शन करना चाहिए, उनको अच्छे से क्लीन करना चाहिए और बर्थ के बाद में तुरंत मेनिंगोस्कोप की हेल्प से एंडोट्रेकियल ट्यूब डालकर सक्शनिंग करनी चाहिए। और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर कम है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी चाहिए और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए न्यूबॉर्न को। और अगर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 50 से अगर कम आ रहा है तो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे न्यूबॉर्न को लेना चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज करना चाहिए और एसिडोसिस हो रहा है तो एसिडोसिस को करेक्ट करना चाहिए। उसके बाद में इसका प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में एंटीनेटल पीरियड में अर्ली डिटेक्शन कर लेना चाहिए, ठीक है, बाय सोनोग्राफी या प्रोसीजर के थ्रू अर्ली डिटेक्शन करना चाहिए कि मीकोनियम फिटस ने पास कर दिया है, जो मीकोनियम है वो एम्नियोटिक फ्लूड में आ गया है। और मीकोनियम अगर मीकोनियम स्टेट एम्नियोटिक फ्लूड है तो उसको नॉर्मल सलाइन को एम्नियो इन्फ्यूजन से उसको डायल्यूट कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इसकी को